बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहने वाली है, संभव हो तो दौड़ भाग कम करें। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, जो धन की स्थिति है आपकी, वो कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। एक लोटा जल भगवान शिव को अगर आप समर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर, यानी चांदी जैसा रंग। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तरीके के वाद विवाद इस समय आपके समाप्त होंगे और जहां तक संभव हो इस समय यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, इस समय काम के करियर के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपका तनाव कम होगा, आपका प्रेशर कम होगा। इस समय परिवार के मामलों में शांति रहेगी, चिंताएं कम होंगी। बेहतर होगा मां लक्ष्मी की उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, जिम्मेदारियां आपकी निश्चित रूप से बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा और जिम्मेदारियां भी आएंगी। रिश्तों से जुड़ी हुई, जो नजदीकी रिश्तों से जुड़ी हुई समस्याएं थी वो इस समय आपकी निश्चित रूप से हल होंगी। और अगर आप एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। देखिए, भगवान शिव को अगर आप एक लोटा जल अर्पित कर दें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अनाज का दान करना भी आपके लिए इस दिन में शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में बेवजह के वाद विवाद आपके हो सकते हैं, परिवार में शांति बनाए रखिएगा इस समय। करियर में थोड़े से तनाव की स्थिति भी आपके लिए दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और जीवन साथी के सपोर्ट से आप मुश्किलों को हल कर लेंगे। भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी में इसका लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन होंगे, तरक्की होगी। लेकिन इस समय वाहन आपको सावधानी से चलाना है, चोट की चपेट में आ सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, स्वास्थ्य के मामलों को लेकर थोड़ी सी आपके मन में चिंताएं थी, लेकिन वो चिंताएं दूर होंगी क्योंकि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके परिवार में भी शांति इस समय बनी रहेगी और आपके जो तमाम रुके हुए काम हैं वो इस समय पूरे होंगे। क्या करना चाहिए? दिन को और शुभ बनाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा लाल।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, किसी पुरानी समस्या का हल इस समय निकल जाएगा, साथ ही साथ काम की अधिकता भी आपके साथ रहेगी। दिन देखिए बेहतर है, लेकिन वर्क प्रेशर थोड़ा रहेगा। अगर आप जल का दान करें, किसी को जल पिलाएं या पौधों में पानी डालें, तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, किसी मित्र के सहयोग से आपको इस समय लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ होगा। मकर राशि, समस्याएं आपकी तमाम इस समय हल होंगी, थोड़ा सा प्रयास करना है आपको। करियर में कुछ नया होगा, कुछ नवीन होगा इस समय, लेकिन साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान बनाए रखना है। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी सुंदर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव आपका कम होता जाएगा, कोई शुभ सूचना जो आपके करियर से जुड़ी हुई है इस समय आपको प्राप्त होगी, संतान पक्ष की तमाम चिंताएं भी आपकी दूर होंगी। एक लोटा जल भगवान शिव को अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिला के समय ठीक रहेगी, नौकरी के मामलों में आपके सुधार होगा, कोई रुका हुआ काम अगर है तो वो इस समय आपका पूरा हो जाएगा। किसी गरीब आदमी को, निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ।